अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादाजी, मुझे भी लगता है कि सुमन और पारो सही कह रहे हैं। निहारिका जिस रिश्ते से इस घर में आई है, उसे उसको उसका हक मिलना चाहिए। दुनिया वालों के सामने भी इस रिश्ते की सच्चाई आना जरूरी है। तुम्हारी बात सही है बिल्कुल, बल्कि तुम्हारी नहीं सब लोगों की बात सही है और मैं सहमत हूं। लेकिन बेटा, ये बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वैसे तो एक तरफ निहारिका के हक की बात है तो मैं मानता हूं उसका हक है कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए, बल्कि उसका हक ही नहीं, ये हमारा फर्ज भी बनता है कि इसकी सच्चाई को हम दुनिया के सामने लाएं। लेकिन बाबूजी, अगर आपको ठीक लगे तो कल अपनी जान पहचान वालों, मतलब रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं। उस पार्टी में निहारिका और इस परिवार के रिश्ते के बारे में सबको बता देंगे। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, है ना? ये सही रहेगा। क्यों दादाजी? तुम लोग जैसा ठीक समझो, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जानते हैं, जो कुछ भी मैं इस परिवार के बारे में सोच रही थी वो बिल्कुल गलत है। उन लोगों ने दिल से मुझे अपना माना है, मेरी कितनी चिंता है सबको। काश आज आप भी यहां होते तो अपनी आंखों से देखते कि इस परिवार के लोग कितने अच्छे हैं। जब से निहारिका को पता चल गया है कि हमारा परिवार सारे समाज के सामने उसे बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करने वाला है, तब से उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। और वो खुश क्यों ना होगी, हमारे परिवार का वो हिस्सा जो बनने जा रही है। मैं अभी आई। जिस दिन करण जी घर पर होते हैं उस दिन घर के हर कोने से जूठे बर्तन मिलते हैं। अरे, माँ, ये माँ कहाँ खोई हुई हैं आप? हम कल से देख रहे हैं माँ, आप कुछ परेशान सी लग रही। ये जो हो रहा है ना सुमन, वो सही नहीं हो रहा। मैं मानती हूँ निहारिका के लिए पार्टी बहुत जरूरी है और सब लोग इस बात को लेकर भी बहुत खुश हैं, पर एक बात मेरे मन में चिंता खाई जा रही है। क्या समाज के लोग समझ पाएंगे कि तुम्हारे पापा के लिए उनका दूसरा परिवार उनकी जरूरत नहीं, मजबूरी थी? इस बात को समाज के सामने ले आना सही रहेगा या गलत? बात सही या गलत की नहीं है बाबूजी, बात है निहारिका की खुशियों की।
नहीं, हम तो उसे इस घर में, समाज में सही जगह दिलवाना चाहते हैं। त्रिभुवन, मैं तो तुम्हारी बात ठीक से समझ रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर लोगों ने इसे फिर भी चर्चा का विषय बना लिया तो क्या करोगे? ऐसी बातें चर्चा का विषय बनने में देर नहीं लगती, और ना जाने क्या क्या मतलब निकाल लेते हैं। माँ, लेकिन लोगों के डर से हम चुप भी तो नहीं बैठ सकते हैं ना। मैं कुछ कहूंगी तो स्वार्थी लगूंगी सुमन, लेकिन जरा सोचो, जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा की एक पहली शादी थी, एक पहली पत्नी, एक परिवार, तो एक पल के लिए मैं उनकी दूसरी पत्नी कहलाऊंगी और मेरा परिवार दूसरा। कहीं निहारिका को इस घर की बड़ी बहू का मान देते देते हमारे परिवार का मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में ना मिल जाए। कल से इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सुमन, किसी से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। कहीं कोई मेरी बात को लेकर मुझे स्वार्थी ना समझ बैठे। मैं माँ की चिंता समझ सकती हूँ सुमन जी, पर अब तो पार्टी में सब मेहमानों के आने का वक्त भी हो चुका है। जो फैसला लिया जा चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता। अब सोचने का वक्त नहीं है, वक्त के साथ चलने का ही वक्त है। हाँ पारो, अभी और कर भी क्या सकते हैं। पता नहीं जो होगा वो सही होगा या गलत। अगर निहारिका जीजी के नजरिए से सोचे तो जो होने जा रहा है वो बिल्कुल सही है, पर जब हम माँ और परिवार वालों के नजरिए से सोचते हैं तो लगता है जो होने जा रहा है सही नहीं होगा। क्या सही नहीं होगा सुमन? वो हम पारो से कह रहे थे कि अगर पार्टी की तैयारियां अच्छे से नहीं हुई तो सही नहीं होगा, है ना पारो? हाँ, यही कह रही थी सुमन जी। अब चलें।